वापस लो, वापस लो। केंद्र सरकार के जिस हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून का विरोध हो रहा है, उस कानून के तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को टक्कर मारकर भागता है तो उसको 10 साल की सजा और जुर्माना भरना होगा। हालांकि विरोध के बाद फिलहाल इस कानून को लेकर सरकार बैकफुट पर आ गई है और कहा है अभी नया कानून लागू नहीं हुआ है। मौजूदा कानून के तहत इस तरह के मामलों में कुछ ही दिन में आरोपी चालक को जमानत मिल जाती है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन नया जो कानून बना है उसमें ये सजा 10 साल की कर दी गई है, साथ ही जुर्माना भी होगा। इधर कानून के विरोध में बड़े वाहनों के चालक पूरे देश में हड़ताल कर रहे थे, जिसकी वजह से कई शहरों में रोजमर्रा की चीजों की कमी हो गई। पेट्रोल डीजल के लिए कतारें लगने लगी। कुछ शहरों में डीजल पेट्रोल देने की सीमा तय कर दी गई। कई जगहों पर तेल खत्म होने की बातें भी कही गई, जिसके बाद लोगों की भीड़ लगने लगी। हड़ताल के बीच पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रांसपोर्ट संगठन के लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में जब आश्वासन मिला तो संगठन हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गया। हिट एंड रन केस में नए कानून पर सरकार और ट्रांसपोर्टर्स में सुलह हो गई। सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों की बातचीत के बाद हड़ताल वापस लिए जाने का फैसला हुआ। इसके बाद ट्रांसपोर्ट संगठन ने कहा कि ट्रक ड्राइवर हड़ताल वापस लें और काम पर लौट आएं। सरकार की ओर से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून लागू नहीं होगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा इसको लेकर संगठन के साथ चर्चा की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 50,000 लोगों की सड़क पर हिट एंड रन के मामलों में मौत हो जाती है। नए कानून में यदि किसी की गाड़ी से सड़क पर कोई टकरा जाता है और ड्राइवर पीड़ित की मदद करने की बजाय उसे मरता छोड़ गाड़ी लेकर या खुद भाग निकला तो उसे 10 साल की सजा होगी और जुर्माना देना होगा। वहीं पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने या पुलिस प्रशासन को सूचना देने वाले को राहत दी जाएगी। अब तक आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। नए कानून के अनुसार यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से वाहन के सामने आता है या फिर अवैध रूप से सड़क को पार करता है तो फिर ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिलेगी। ऐसे केस में अधिकतम 5 साल की सजा और जुर्माने का ही प्रावधान होगा। वहीं गलत ढंग से ड्राइविंग के चलते यदि दिक्कत होती है तो फिर ड्राइवर को 10 साल तक की कैद होगी। सरकार से बातचीत के बाद भी अभी कई जगह प्रदर्शन जारी है। सरकार ने इसे रोकने का फैसला किया है और नए सिरे से बातचीत कर लागू करने की बात कही। इन सब के बीच प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है अगर इनमें बदलाव नहीं होता तो फिर प्रदर्शन करेंगे।